वक्त बीतता रहा। नन्हे विंग जांगफू के इंतजार में रास्ते के तरफ देखा करता है। दुखी होने का मन है उसे, लेकिन याद आता है ममन ने कही थी अगर वो रोएगा तो वांगजी को भी बुरा महसूस होगा। दूसरे तरफ जुइमिंग गांव में एक महीना होने को है, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद नन्हे हुई दोपहर के वक्त विद्यालय से घर लौट रहा है। देखा बोंग आ चुका है। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते बोंग के घर पहुंचा। उसका नज़र जांगफू के खोज में है। वो बस जांगफू कहते हुए कस गले लगाना चाहता है, लेकिन देखा ज्यादा लोग नहीं आए हैं। सोचो जांगफू का है तो जी वो नहीं आया बेटा। वो और बाकी के लोग कुछ दिन बाद आएंगे। चलो हमारे साथ खाना खाओ। चलो नहीं करना। तो जी बेटा वांग जी आ जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हें बता दूं वो सही सलामत है। बस तुम अपना और मैं का ख्याल रखो, साथ ही विद्यालय जाता रहो। कुछ दिन बाद वो आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो खाना खाते हैं। नन्हे विंग ने मना कर दिया और घर चला गया। बाव आ गए बेटा, चलो हाथ मुंह धो लो और कुछ देर आराम करो, फिर खाना लगाऊंगी। बाव क्या हुआ बेटा? अरे रोते नहीं बेटा, वो आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत मनाने के बाद नन्हे विंग ने दो निवाला खाना खाया, फिर बाहर छत के नीचे गर्दन झुकाकर खामोश बैठा रहा। बाव बेटा मैं घर के पीछे कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही हूँ। मई सो रही है, कुछ देर उसके पास बैठोगे? नन्हे विंग अंदर जाने लगा। बेटा वांग जी बहुत जल्दी आ जाएगा, इस बार जब आएगा तब दोबारा जाने नहीं देंगे हम उसे, ठीक है? अब मुस्कुराओ। माथे पे चूम कर मैडम लैन चली गई। कुछ देर बाद नन्ही जान जाग गई और रोने लगी। नन्हे विंग ने धीरे उठाकर बाहों में भर लिया। तुम भी जांगफू को याद करती हो ना मिमी? वो आ जाएगा, फिर जाने नहीं दूंगा। मैडम लैन बस घर के अंदर कदम रखने ही वाली थी, देखा नन्ही जान को बाहों में भरकर नन्हे विंग खामोश बैठा है। चेहरे पे दुख और मायूसी दिख रहा है। मैडम लैन ने कदम रोक ली। दूसरों के बारे में सोचकर वांग जी भूल रहा है, अभी बाव को उसका जरूरत है। क्या वो इसी तरह अपना सारा वक्त दूसरों को देने वाला है? शाम के वक्त नन्हे विंग और नन्ही जान को लेकर मैडम लैन बोंग के घर पहुंची। गग वांग जी क्यों नहीं आया? सब सही तो है ना? सब सही है मई, बस काम पूरा नहीं हुआ इसलिए वो वही रह गया और मैं कुछ लोगों के साथ आ गया। आना नहीं चाहता था लेकिन वांग जी ने कहा नया फसल उगाने का वक्त आ गया है तो हमें अब लौटना चाहिए। जानती हूँ जिम्मेदारी उसने लिया है इसलिए उसे वही रुकना पड़ा, लेकिन वो थूजी को भूल रहा है। काफी जिम्मेदार बच्चा है वांग जी। उसने कहा था मैं बाव को ख्याल रखने कहूँ। लगभग 2 महीना होने वाला है, बच्चा तरस गया है उसे देखने के लिए। मुझे पता था हमें देखकर धूजी दुखी होगा इसीलिए साथ आना चाहता था, लेकिन वांग जी को फिक्र हमारे खेत का भी है। बॉम के साथ गांव के जिसने भी चिंगजुन को देखा इस बारे में किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि लौटने से पहले ही बॉम ने कहा था जुइमिंग की यादें जुइमिंग में ही छोड़ दो, यहाँ जो भी हुआ
इस बारे में गांव जाकर कोई बात नहीं करेगा। लिंग गांव में कभी बाहरी जगहों से बातें लेकर नहीं जाया जाता। उनको अपने भविष्य की बहुत फिक्र रहते हैं। उनका मानना है अगर बाहरी बातें गांव में किया गया तो लालच, नफरत और हिंसा जैसी भावनाएं पैदा हो सकता है। इसलिए उस गांव में बाहरी गंभीर बातों के बारे में बात नहीं होता। कुछ दिन और बीत गया। चिंगजुन बेटे के पास पहुंचा। वांगजी खाना खा रहा था। हर बार आप खाना खाते वक्त ही क्यों आते हैं? क्योंकि खाते वक्त ही तुम बैठे रहते हो और मुझे बात करने का मौका मिलता है। वांगजी, सच बताओ, उस बच्चे को तुमने कहाँ छुपा रखा है? एक बार और इस बारे में सवाल किया तो बुरा होगा। तुम उस बच्चे से इतना प्यार करते हो? आपको हमसे परेशानी है? बिल्कुल नहीं। फिर बार बार बाव के बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए। हम आपके ऊपर बोझ नहीं रहे, आपके खा नहीं रहे, आपको परेशान नहीं कर रहे, आँखों के सामने रह नहीं रहे। दोबारा जानने की कोशिश मत करना। तुम्हें इतना बुरा लगा? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हें और उसे खिलाने के लिए खाना नहीं था, या फिर मैं खिलाना नहीं चाहता था? आपने हम जैसों का पेट पाला, हमें अपने चरणों में शरण दिया। हम आपका शुक्रगुजार हैं। ऐसा मत कहो वांगजी, तुम मेरा बेटा हो। मुझे याद नहीं कौन है मेरा पिता, लेकिन मुझे बस पिता के साथ बुरा वक्त याद है। याद है मुझे, उन्होंने मुझे मजबूर किया था, रुलाया था, मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया था। वो मेरा खुशी नहीं चाहता था। क्या आमतौर पे पिता वैसा ही होता है? उनको बच्चों से ज़्यादा खुद का परवाह होता है। शायद तुम माफ़ ना करो, लेकिन मैं कहता रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। वो ठीक है या नहीं, बस यही जानना चाहता था। वो आपसे दूर है, यानी ठीक है। बहुत गुस्सेल हो गए हो तुम। क्या मैं उस बच्चे के बारे में जान नहीं सकता? अगर आपके लोग उसके आसपास भी दिखे तो मार दूंगा। मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, जो करके मैं अपने बेटे के नज़र में और गिर जाऊँ। वो मोटा व्यक्ति नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? उनसे कोई काम है आपको? नहीं। फिर? तुम उसे शोशो कहकर बुलाया करते हो, कौन है वो तुम्हारा? एक पिता, पिता की तरह है वो मेरा। कभी कभी सोचता हूँ मैं उनका बेटा बनकर पैदा क्यों नहीं हुआ। तुम मेरा बेटा हो, क्या इस बारे में सोचकर तुम्हें पछतावा होता है? बस वो आपके मामले बहुत समझदार और अच्छा है, उनको आपसे तुलना करना पाप होगा। वाकई इतना अच्छा है वो? उसने आज तक किया ही क्या है? कुछ किस्से सुनाओगे मुझे? शायद आपने सुना नहीं, उनको आपसे तुलना नहीं कर सकते। अच्छा होता अगर मेरा पिता उनके तरह होता। तुम्हारे शरीर में दौड़ रहे खून मेरा है, फिर तुम किसी और का तारीफ कैसे कर सकते हो? मेरा बेटा बनकर जन्म लिया, क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मेरा पिता शोशो बोंग नहीं, कोई और है, ये याद है। इसलिए मैंने कहा अच्छा होता मेरा पिता उनके तरह होता। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, मैं हैरान हूँ देखकर। आखिर वो लोग तुम्हारा कहना क्यों मान रहा है? तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे कहने पे नाचने लगे सारे? आपके उम्मीद से बाहर का काम कर रहा हूँ मैं। शोशो बोंग बहुत अच्छा है, मेरे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। क्या मेरा पिता उनके तरह नहीं हो सकता? खुद को बदलना, अच्छा व्यक्ति बनना, क्या इतना कठिन है? चिंगजुन चुप रह गया और वांगजी वापस काम करने चला गया। शाम को जब वांगजी काम से लौटा, फिर चिंगजुन उसके पास पहुंचा। पिता को देखकर वांगजी थके हुए सांस छोड़ने लगा और चिंगजुन खामोशी से छोटा मुस्कान के साथ बेटे के पास बैठ गया। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हारा नाम वांगजी है, तुम एक राजकुमार हो, फिर मजदूरों के तरह मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है? इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं? मुझे बुरा लग रहा है।
क्या मेरा हर बात झूठ और दिखावा ही लगता है? आपने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? मेरा साथ देने के लिए पूरा गांव खड़े है। क्या आपको कोई काम नहीं है? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। मुझे हंसना नहीं आता। हंसने पे मजबूर मत कीजिए। माँ कैसी है? माँ लियांगवा, वो तुम्हारी माँ ठीक है? वो ठीक है। क्या आपको लगता है मैं दो स्त्री के कोख से आधा आधा पैदा हुआ हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मेरी माँ दो है या उससे ज्यादा है? इस तरह जवाब क्यों दिया? इंसान हूँ, गलती हो गया। मुझे देखने की जिद नहीं की उन्होंने? मेरे हरकत से गुस्सा हो गई होगी ना? हाँ, वो आना चाहती है लेकिन तुम्हारी मेमे के वजह से नहीं आ पा रही। माँ है, थोड़ी नाराज तो है लेकिन गुस्सा नहीं है। घर जाइए और माँ से कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता ना करे, अपना और मेमे की ख्याल रखे। मेरे तरफ से वो आएंगे कहना मत भूलना। चुप क्यों हो गए? आप सच बताते क्यों नहीं? बताइए, सच बताइए, मैं सच सुनना चाहता हूँ आपके जुबान से। बताइए माँ आपको छोड़कर कहीं चली गई है? बताइए पिताजी, दिखावा मत कीजिए, इस तरह आप मेरी नज़र में झूठा बन गए हैं। तुम कौन सी रास्ते से भागे थे? पूरे कबीला और विद्यालय के लोगों को चकमा देकर भाग गए तुम। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फिर भी तुम नहीं मिले। रहते कहाँ हो तुम? बहुत याद करता हूँ, अपना घर, माता पिता। होने वाली मेमे को छोड़कर बिन बताए क्यों भागे तुम? क्या आपको वजह नहीं पता? क्या एक मौका दे सकते हो मुझे? मौका उन्हें दिया जाता है जो सुधरना चाहते हैं, जिनको अपने गलती का एहसास है और जिनसे अनजाने में गलती होते हैं। मौका उनको नहीं दिया जाता जो बार बार गलती करते हैं, जानबूझकर करते हैं और जो कभी सुधरना ही नहीं चाहते। जो व्यक्ति एक बच्चे का इज्जत नीलामी कर सकता है वो मेरा पिता हो ही नहीं सकता। मैं सुधर गया हूँ लेकिन अफसोस, मुझे अब बेटे के सामने खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। वांगजी खामोशी से देखने लगा। उसे लगता है हो सकता है उसका पिता बदल गया है, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। दो तीन दिन बाद ही चिंगजुन बेटे से इस तरह की बातें करने, थोड़ा तंग करने आता रहता है। असल में वो दुख ऊपर दिखाना तो नहीं चाहता लेकिन कभी कभी ऊपर दिखने लगता है। भले ही वो एक बिगड़ैल पिता हुआ करता था लेकिन शुरू से, यानी उस वक्त से जब से उसे पता था आज नहीं तो कल लियांगवा गर्भावस्था के बारे में बताने वाली है, इस बारे में पता चला था, तब से ही वांगजी उसका जान है। यानी लियांगवा गर्भवती हुई भी नहीं थी लेकिन चिंगजुन को पता था अब होने वाली है, तब से ही वांगजी उसका जान है। बेटे से प्यार बहुत करता है वो, लेकिन क्या करे, कुछ बुरे आदतों के वजह से बेटे के नज़र में बुरा बन गया। कभी बेटे को अपना प्यार एहसास ही नहीं करवा पाया। अब वो जैसे भी करके वांगजी के लिए एक भाई पैदा करना चाहता है ताकि वांगजी घर वापस लौटे, लेकिन उससे पहले लियांगवा को ढूंढना होगा। दिन बीतता गया और एक दिन जब चिंगजुन जुइमिंग पहुंचा, पता चला वांगजी अपने लोगों के साथ लौट चुका है। वांगजी तो अचानक चला गया। चिंगजुन को लगा था वांगजी जाने से पहले किसी को तो बताएगा और उनके जरिए चिंगजुन को पता चल ही जाएगा कि वांगजी वापस लौटने वाला है। वांगजी जा चुका है ये जानने के बाद वो निराश होकर कबीला लौट गया। रात के वक्त आज भी हर बार की तरह इमी मसाज दे रही है और चिंगजुन खामोशी से छत पे ही देखे जा रहा है। आप उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? वांगजी वापस चला गया, मुझे बताया तक नहीं, ना ही मैं उसकी माँ को ढूंढ पाया और ना ही उसे वापस ला पाया। अभी भी आप उसे ला सकते हैं, उसने कहा ना भाई मिलते ही वो आ जाएगा, वो जरूर आएगा। भाई लाने के लिए उसकी माँ को कहाँ ढूंढूं? वो इतना समझदार और जिम्मेदार है, गांव का मुखिया भी उसके आदेश का पालन करता है, पूरे गांव के पुरुषों को उठा लाया था वो। इतनी ताकत कहाँ से मिला उसे?
उन गांव वालों के बारे में किसी ना किसी को तो पता होगा ही। वो लोग किस गांव से है जो इमिंग वालों को बिल्कुल नहीं पता? उन लोगों ने कभी कुछ जिक्र नहीं किया है। यानी अपने पीछे उन लोगों ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। लगभग 15 दिन बाद जब वांगजी घर पहुंचा, नन्हे विंग और नन्ही जान ने एक पल के लिए भी वांगजी को अकेला नहीं छोड़ा। इस बार नन्ही जान को भी गगई याद है। वांगजी जब नहाने गया, नन्हे विंग भी पहुंचा। सब चले गए इसलिए नन्ही जान रोने लगी। मैडम लैन लेकर पहुंची और वांगजी ने नन्ही बहन को गोद में बिठा लिया। नन्हे विंग हस्बैंड के चेहरे को इस तरह पानी से धोने लगा जैसे वो इन महीनों की प्यार कुछ ही पल में लुटा देना चाहता है। जंगफू, ओए जंगफू। फिर नहीं जाने दूंगा। अब नहीं जाऊंगा। जंगफू, कल मीमी को विद्यालय ले जाऊंगा। क्यों? मेरे दोस्त ने कहा मीमी को लेकर जाओ, इसलिए लेकर जाऊंगा। जंगफू, मुझे देखना। जंगफू, तुम दोनों को देख रहा हूँ बाबे। मिमी को ज्यादा देख रही हो। नहीं, तुम दोनों को समान देख रहा हो। मुझे ज्यादा देखना जंगफू। हाँ, तुम्हें ज्यादा देखूंगा। उसने गले लगा लिया। रात को वांगजी के सो जाने के बाद नन्हे विंग धीरे हस्बैंड के बाहों से उठ गया और हाथ पैर पे जांचने लगा, कहीं काम के दौरान चोट तो नहीं लगा है उसके जंगफू को। नहीं, सब ठीक है, बड़ा चोट नहीं लगा है। अब वो हस्बैंड के चेहरे को प्यार से निहारते सहलाते हुए चुम्मी पे चुम्मी करने लगा। हांगुंडुन ओ आई तुझी का ना गागा। वांगजी पूरी तरह नींद में डूबा नहीं है। वो थोड़ा मुस्कुराने लगा और नन्हे विंग ने नन्हे हाथ से धीरे थप्पड़ लगाया। क्यों मुस्कुराया? वांगजी ने बाहों में खींच लिया। मेरा नींद टूट गया बाहो। मेरा जंगफू, मेरा जंगफू, ओ आईनी, जंगफू ओ आईनी। गाना बहुत अच्छा था बाउबे, वो ये आईनी। फिर हमेशा के तरह लिंगबासी अपने काम में लगे रहे, खेती करते, एक दूसरे के साथ चीजों की अदला बदली करते, खुश रहते, बहुत खुश। अब तो बोंग आधे से ज्यादा काम वांगजी पे ही छोड़ दिया करता है और वांगजी गांव के दूसरे पुरुषों को काम सौंपा करता है, यानी किस काम को कब और कैसे करना है ये सब बताया करता है। बोंग को वांगजी में लिंग का अगला मुखिया होने का हुनर दिखता है। बस वो इंतजार कर रहा है वांगजी का और थोड़ा उम्र हो जाए, कम से कम 18 साल, फिर वो मुखिया होने का जिम्मेदारी वांगजी को सौंप सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वांगजी लिंग गांव के इतिहास का सबसे छोटा उम्र में बना मुखिया बन जाएगा। वक्त बीतता गया और नन्ही हुआ 1 साल की हो गई। उस दिन पूरे गांव वाले वांगजी के घर में मौजूद हुए। महिलाएं पकवान और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाने लगे। लिंग गांव में पहली बार किसी की जन्मदिन मनाया जा रही है। आज से पहले गांव वालों को पता तक नहीं था जन्म के बाद हर साल उसी दिन इस तरह जन्मदिन मनाया जा सकता है, दावत दिया जा सकता है। उनको जब पता चला इस दिन तोहफे के तौर पर चीजें भी दे सकते हैं, तब सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाने को जाने ही वाले थे, लेकिन वांगजी ने रोका।
उम्मीद है जिस तरह वांगजी को वुइंग का गाना अच्छा लगा उसी तरह आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।